ये 3000 रुपए का है ये। तो क्या ले लिया? ये बैट 300 रुपए का, प्लेट 35। नहीं मोल भाव करेगी तो 40-50 है। ये वर्किंग में है ये? ये और हो सकता है, ऑन है, चेक करके देते हैं हम। चोर बाजार कहिए या कबाड़ी बाजार कहिए, वो सब एक ही बात है। 1818 का ये सिक्का है, ये IBM का है, कि ये चोर बाजार जरूर है लेकिन माल चोरी का नहीं। कम से कम 500 दफे सुबह से हटा चुका हूँ। बैठने ही नहीं दे रहे ढंग से, बैठने नहीं दे रहे, दौरी करवा रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं और पुलिस वाले भी बहुत दिक्कत कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इलीगल है। 2500 रुपए का है। कहाँ से आए हो? मैं भिंड से आया हूँ। भिंड से? हाँ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। देखिए सारे जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स हैं ये सारे के सारे, ये सब 300 रुपए मिल गया। नोट क्या गिनने जी, नोट ही बेचते हैं और क्या कर रहे हैं। बहुत डेंजरस है ये भीड़, चोर बाजार चोरी से चोरी चोरी लग रहा है। आपको जगह वहाँ दी गई थी, वहाँ तो कोई नहीं जाता, वहाँ भी मना कर रहे हैं। वो दिन गए फाक्ता हो गए। पूरा सेट 100 रुपए का है। तुम्हारी आंखों का काजल तो बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। हाँ जी, मम्मी ने लगा था। ये 50 रुपए का है, इसीलिए पुलिस हटाती है क्योंकि ये इलीगल है। ये 1100 यहाँ कम से कम 40-45 साल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अकरम खान, द न्यूज गेट में आपका स्वागत है। पता तो चल ही गया होगा आपको कि कहाँ पर हैं आप। जी हाँ, जैसा 8 महीने पहले चोर बाजार लगा करता था, अब वैसे ही यहाँ पर वही सब रौनक दोबारा से लौट आई है। चोर बाजार कहिए या कबाड़ी बाजार कहिए, वो सब एक ही बात है। नई जगह दी गई थी लेकिन सरकार ने अब उसको वहाँ पर अलाउड नहीं किया गया है, मतलब किया ही नहीं वहाँ पर लॉकडाउन के बाद, इसलिए सब लोग यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर दो किस्म की मार्केट लगती हैं, एक तो वो जो रेगुलर रखती हैं जो आगे जाकर है, और एक वो जो यहाँ पर इस तरीके से लोकल लगती हैं अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर सामान जो है सारा वो सब सेकेंडरी जो होता है, जैसे मैंने बताया चोर बाजार वाला, वो सारा इधर लिया जाता है। और इधर देखिए ब्लैंकेट, चादर, जूते और जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर अपने अलग अलग लगती हैं। और जिस तरीके से जो भीड़ है ये भी अपने आप में बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है ये भीड़। हालत देखिए आप क्या है, यहाँ पर तो खैर चौक लग रही हैं लेकिन उसके ठीक पीछे जो है वहाँ पर जो कबूतर है, जो बर्ड्स हैं, उन बर्ड्स का यहाँ पर इधर लगाया जाता है। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या खास है इस बार के कबाड़ी बाजार या चोर बाजार का है या कुछ भी कहें। आइए, लैपटॉप तो बता सकते हैं, चलिए शक्ल मत दिखाइए, ये तो बता दीजिए। ये कोटोडो का लैपटॉप है, 2500 रुपए का है। इसके ऊपर सोनी लिखा हुआ है, ये IBM का है, ये सोनी का भी मिल जाएगा, IBM का मिल जाएगा, ये HP का ही है। अच्छा, ये बताइए वर्किंग में है ये? ये वर्किंग में है ये। ये और हो सकता है? ऑन है, चेक करके देते हैं हम। चेक करके देते हैं। ये कितने का बताया आपने? ये 3000 रुपए का है, ये 2500 रुपए का है, ये ऊपर वाला 2500। चलिए ठीक है, आपने इतनी बात कह दी, बहुत है। और आगे चलते हैं, आगे क्या खास है, क्या बेहतर है, क्योंकि इस तरह की जो भीड़ है वो भी सही नहीं है। और अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ, कोरोना कल ख़त्म नहीं हुआ, और इस कोरोना में इस तरह की जो चीज़ें हैं, अरे बड़े बड़े ब्रांड की चीज़ें बेच रहे हो यार, कुछ बन पा रहा है सबके? नहीं सर, अभी खाली हैं। अभी खाली हैं? खाली का काम तो मिल गया, तो बेच तो रहे हो? हाँ बेच रहे हैं सर, पहले ऐसा मज़ा नहीं आ रहा। पहले जैसी बात नहीं है? नहीं। तो क्या बात है, तो ये सब चीज़ों से बिक जाती हैं ये? हाँ सर, बिक जाती है। तो कितने का होता है ये? सर 200 रुपये होता है। 200 रुपये और 200-150 लास्ट। इतने सस्ता क्यों होता है ये? सर सबको मालूम है, चोर बाजार में हो रहा है। अच्छा, लेकिन ये कहते हैं कि ये माल डुप्लीकेट होता है, गलत होता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये देखो सर। हाँ हाँ, चेक कर सकते हो? नहीं, मास्क उतारो। अच्छा, खुशबू तो बिल्कुल, ये बात सही कही कि ये पैंटीन वाली ही लग रही है। अब ये इस्तेमाल करने का पता लगेगा, मतलब इस्तेमाल ऐसा तो नहीं है कि खुशबू अलग हो, इस्तेमाल में चीज़ अलग हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बहुत लोगों की डिमांड होती है कि जिम का सामान यहाँ पर मिलता है या नहीं मिलता, तो हमें एक यहाँ पर चलता हुआ एक टेम्पो नज़र आया और यहाँ पर लगे हुए थे, तो इधर बैट्स के बारे में तो खैर मैंने आपको दिखाई दिया था पीछे कि वो बैट्स कितने के बेच रहे हैं। इसके अलावा जो डंबल्स हैं यहाँ पर अच्छे, आपको अच्छे रेट पर, मतलब अच्छी रेट के ऊपर आपको मिल जाएंगे, वो आपको खुद देखना है कि वो उतने वेटेज पे है कि नहीं। प्लेट्स हैं वो भी हैं और बड़े भी हैं। इसके अलावा और भी जिम के कई सारे आइटम्स हैं जो इस तरह के आपको मिल जाएंगे। देखिए ये वो डंबल्स जो हैं यहाँ पर भी हैं। अब मैंने जो यहाँ पर हैं उनको देखने के लिए पूछा कि रेट क्या है, मैं इनसे पूछूंगा क्योंकि अभी थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं यहाँ पर, कि इनका ये बोलना है कि अगर हम यहाँ पर लगा देंगे तो कॉरपोरेशन और पुलिस वाले हमें यहाँ पर नहीं लगाने देंगे। मैं पूछता हूँ इनसे एक बार, क्या दोस्त रेट बताओगे इनके कितने के हैं ये डंबल? डंबल दे देंगे। लेकिन देखिए जो आपकी बात है वो जेन्युइनली वो मैंने बोल दी है, तो डंबल आपका ये 5 किलो वाला कितने का? चेहरा नहीं आना चाहिए कैमरा आपका, बिल्कुल नहीं आएगा। ये बताइए 5 किलो वाला कितने का है?
ये डंबल आपको 70 रुपए किलो मिल जाएगा। 70 या किलो के हिसाब से? हाँ, किलो के हिसाब से। अच्छा, और प्लेट का जो है वो रेट बताना, क्योंकि आगे फिर मोल भाव करेगी पब्लिक। प्लेट 35 नहीं, मोल भाव करेगी तो 40-50 है। वैसे 35 रुपए। हाँ, जो रेट है अपना जेनुअन जो रेट बेचते हो उस पर बताओ। 35 रुपए किलो। 35 रुपए किलो डंबल है। और वो आपका जो प्लेट है ये सब, ये रबड़ की प्लेट 35 रुपए किलो। ये नीचे दिखाओ, ये वाले जो है। और ये जो डंबल रखे हुए हैं वो ये भी किलो के हिसाब से? किलो 35 रुपए किलो। रोडल की अलग है, 300 रुपए रोडल की अलग है। चलिए, उन्होंने अपना रेट बता दिया है और मैं खास से काफ़ी लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो भी गया होगा। चलिए अब चलते हैं। वैरायटी हर तरीके की मिलती है, ख़रीदने वाला होना चाहिए और वो निगाह होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, क्योंकि आपका तजर्बा इन चोर बाज़ार में काम आता है। क्यों भाई, लॉकडाउन के बाद कुछ उठ रहा है? नहीं उठ रहा अभी तो, ये लगने ही नहीं दे रहे। तो सिर्फ सामान ही उठ रहा है आपका? सामान उठ रहा है अभी तो, सिर्फ सामान उठ रहा है। देखिए, खरीदने वाले आए हुए हैं। कहाँ से आए हो? मैं भिंड से आया हूँ। भिंड से? हाँ, मध्य प्रदेश। तो क्या ले लिया? ये बैट 300 रुपए का। 300 रुपए का ले लिया, फाइनल हो गया। तो 300 रुपए का बैठ गया। और है कितने का मार्केट में, देखो जरा खोल के, और है कितने का ये मार्केट में? 550-600 का। इन्होंने भी 350 बताया था, अब बोल रहे 300 रुपए। अरे मतलब तुम्हें कैमरे के सामने बातों में तुमने लपेट दिया। हाँ। अच्छा, तो क्या देख कर रहा है, क्या सुन कर रहा है? मैंने देखा बैट बढ़िया है, दिल्ली में मिलेगा तो अच्छा। थोड़ा ये चोर बाजार में क्या सोच कर रहा है? सस्तो मिलता है सामान थोड़ा। अच्छा, मिलता है? हाँ। क्यों भाई? कुछ बोलो ना, हूँ भी सस्ता सामान। सही बात है। तुमने भी नहीं लगाया हुआ तो भिंड से आए? सारे लोग भिंड से आए हुए? 6 लोग आए भिंड से। अच्छा, तो ये सब खरीदने के लिए यहाँ पर चोर बाजार के लिए? जी। अरे, चोर बाजार में पूरी टीम आई हुई है भिंड से सामान खरीदने के लिए। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन बैट के बाद और अच्छे, एक बार बैट के बारे में रेट बता दिए जो फाइनल है वो बताइए। वैसे ये 850 का भी है, 650 का, जो कि अभी 300 का। बेचने वाले कितने? ये वाला जो दे इनको 350 में फाइनल हुए थे, 300 में दे रहे हैं। चलिए, बैट जो है वो 300 रुपये में फाइनल हो गया। क्या दोस्त, कुछ लिया है कि नहीं? हाँ लिया। क्या ले लिया? हेडफोन लिया। हेडफोन ले लिया, कितने तक का मिल गया? मिल गया 300 का, इंटेक का। 300 का मिल गया? हाँ। अरे वाह वाह, क्या बात है। कहाँ से आए हो? पटेल नगर से। तो हर बार रहते हो या कभी कभार आना होता है? नहीं, कभी कभार आते हैं। कभी कभार महीने पे, 2-3 महीने। संडे मार्केट के बारे में क्या सोचना है? ठीक है, सही चल रहा है। सही है। गरीबों की मार्केट? हाँ, गरीबों की मार्केट। ये बड़ा मुश्किल है पैमाना कि गरीब कौन और अमीर कौन, कुछ नहीं, सब एक ही है सब। क्यों दोस्त? हाँ, चलो धन्यवाद आपका। चलिए आगे चलते हैं। और ये क्या देखिए, देखिए देखिए, ये भी है। और ये इस तरह के जो स्क्रैप के मटेरियल्स हैं ये इधर काफ़ी मिल जाते हैं और अच्छे मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक अच्छा मटेरियल मिला है। अरे वाह भाई, दिवाली आ गई, सामान मिलने लगा। लॉकडाउन के बाद क्या हालात हैं? त्यौहार भी आ गया आपको? बढ़िया चल रहा है। सामान कुछ उठ रहा है कि नहीं उठ रहा? उठ रहा। उठ रहा है? ये कितने का बताओ? ये वाला एक ना? दो 300 रुपये। 300 रुपये दिखा तो दो। ये सब खरीद लिया भाई साहब ने? अरे वाह, क्या क्या ले लिया भाई साहब? कुछ नहीं भाई साहब, थोड़ी सी बच्चों की खेल खिलौने की चीजें हैं। अच्छा, चलिए तो सही से मिल गई आपको सबसे? हाँ, बाहर की मार्केट से सही है। अच्छा, सारी कितने की मिल गई? इधर बताइए, इधर सारी कितने की मिल गई टोटल सारी आइटमे? हाँ हाँ, ये 300 रुपीज़ की। दिखा जरा, 300 रुपये में सब मिल गया। देखिए भाई साहब ने दिखा दिया, दिखाइए। बहुत बढ़िया, बहुत सही चीज़ें ले ली भाई। कहाँ से आए? दिल्ली से? बाहर से? दिल्ली के लोकल हैं। अच्छा अच्छा, दिखाइए जरा इनको, ये कैमरे पर दिखा दीजिए। देखिए ये कितने का लिया सारा आपने? ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए सारे जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स हैं ये सारे के सारे, ये सब 300 रुपये मिल गया। अच्छा, इसके ऊपर कॉस्ट जो लिखी हुई है वो 300-400 लिखी हुई है। अच्छा अच्छा, यानी टोटल माल जो ओरिजिनल होना चाहिए था। हाँ देखिए, सिर्फ यही जो है 200 का है। अगर ये मॉल से आप परचेज करते हैं या सीपी से परचेज करते हैं? हाँ हाँ, तो आपको प्रिंटेड रेट पे मिलेगा। ये रीजनेबल रेट पे मिल जाता है यहाँ पर, बहुत सही मिल गया। यानी 300 रुपये में इतना बड़ा मटेरियल भाई साहब को मिल गया। चलिए भाई साहब, जैसे जैसे तो थैंक यू। चलिए बहुत धन्यवाद। इन्होंने 300 रुपये खरीदा। क्यों साहब, क्या हालात हैं आपके चप्पलों के? ये दिखाएं जरा चप्पल, क्या क्या रेट रखे? 100 रुपये जोड़ी भाई साहब। 100 रुपये कोई भी? कोई सी भी लो, 100 रुपये जोड़ी। 100 रुपये जोड़ी का मतलब दो ही लेगा आदमी, एक तो लेगा नहीं। सही है भाई साहब, सही है। चप्पल तो आदमी दो ही पहने। 100 रुपये जोड़ी। जोड़ी फिर जोड़ी बोली आपने। अच्छा भाई साहब भी खूब है, जोड़ी जोड़ी बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ आदमी तो दो ही पहनेगा ना, एक तो पहनेगा नहीं। अच्छा तो 100 रुपये कुछ कम भी होंगे? नहीं नहीं, फिक्स प्राइस है हमारी। फिक्स प्राइस है? हाँ। लोग कहते हैं 100 लगा तो 50 का मिल जाती है। नहीं नहीं, वो दिन गए। फाख्ता हो गए। अब तो लेटेस्ट दिन आ गए भाई साहब।
मैन इन इंडिया बन गए अब तो। लॉकडाउन के बाद अलग ही बदल गए, अलग ही बदल गए भाई साहब। ये आत्मनिर्भर बनी है 100 रुपए की ये चप्पल जो कि फिक्स रेट पर है। 100 रुपए ये फिक्स रेट लीजिए, इन्होंने भाई साहब ने 100 रुपए का। चलिए आगे आइए, आगे देखें और क्या क्या खास है। देखिए इस तरह के जो जेम्स है ना, जेम्स मैंने आपको पहले भी बताए थे, वैसे तो खैर थोड़ी बहुत पहचान है, ज़्यादा तो मुझे पहचान नहीं है इन जेम्स के बारे में, पत्थरों के बारे में। और जैसे पन्ना है या अकीक है या मूंगा है, ये ओरिजिनल तो खैर नहीं है इसमें, बिल्कुल एक आधी बस नज़र आ रहा है, जैसे कि ये जो बहुत डार्क होते हैं। क्यों अम्मा ये क्या कहीं से आते हैं, खरीदती हो, कहाँ से लाती हो आप ये? जयपुर से आते हैं। आप जयपुर से? अच्छा, जयपुर का। तो कितने सालों से आप लगा रही हैं ये सब? मैं तो जवानी से लगा रही है। अरे बाप रे, कितने साल हो गए आपको? बुढ़िया हो गया, अभी जो जीने से गिर के टूट गया था, फिर टूट गया था, तब ये आया ये डंडा लेके। अरे अरे अरे, तो कितने साल हो गए आपको? अभी गिर गया था, 1 साल हो गया। नहीं नहीं, आपको यहाँ लगाते हुए कितने साल हो गए? यहाँ कम से कम 40-45 साल। 40 साल से लगा रही है। कितना फर्क है पहले में और अब में? ये पहले से बहुत फर्क है, आसमान का फर्क है। पहले से ये पत्थर ही रखती है, कुछ और भी चीजें बेचती है? नहीं, खाली पत्थर ना गिने का धंधा करता हूँ, खाली पत्थर पत्थर और अंगूठी बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अख्तरी बेगम। अख्तरी बेगम, अख्तरी बेगम है, पिछले 40 साल से सिर्फ पत्थर और सिर्फ और स्टोन। देखिए इस किस्म का पत्थर जो ये कहती हैं कि जयपुर से लेकर आते हैं, आप देख लीजिए इसमें कुछ जो पत्थर हैं जो डार्क इस तरह के जो हैं। देखिए मूंगे की जो पहचान होती है वो बिल्कुल जड़ की तरह होता है, ये जैसे ये है ये कुछ बेहतर लग रहा है। तो आप यकीन बताइए कि इसमें बहुत फर्क है, आपका जो इधर का मूंगा है ये और उधर का जो मूंगा उसमें। सुनो, ये मूंगा ये बनाट मूंगा है, असली मूंगा लकड़ी होता, लकड़ी होता। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ये समुद्र में जड़ होती है, जड़ होती है, समुद्र का पानी के नीचे, समुद्र के पानी के नीचे होता है। बिल्कुल सही 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 बात कही है ये। जी 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 जी, 40 साल से अख्तरी बेगम यहाँ पर ये लगा रही हैं, बैठ रही हैं यहाँ पर, और 40 साल। अब सोचिए कि महीने में 4 दिन होते हैं, महीने के 4 दिन हो गए, तो उन 365 दिनों में और कितने हफ्ते कितने महीने गुजरे इन सब से। और देखिए उम्र तकरीबन बता रही है, देखिए दूर से आवाज़ आ रही है, उम्र 70 साल की हो रही है। देखिए भाई साहब भी ये चेक कर रहे हैं इसमें, क्यों भाई साहब ये सही है कि नहीं? हाँ सही है, ये सही मिल रहा है। हाँ, अच्छा क्या रेट रखा हुआ है अपने इसका? 500 रुपये जी। 500 रुपये, कुछ कम करो यार, कवाड़ी दर का तो ये चोरों दर का कम होता है। 300 रुपये बोल दिया सर जी। 300 रुपये फाइनल? फाइनल। अच्छा बोले 500 मिलेगा 300 में, क्यों भाई साहब लग रहा है 300 में सही है? हाँ 300 में सही है। अच्छा 300 में सही है, तो कुछ चीज़ें सही मिलती हैं आपको? कभी आए इससे पहले भी आप आए? नहीं, अक्सर आता हूँ मैं। अक्सर आते रहते हैं, तो चीज़ें सब मिल गई आपको? ये करीबन सही मिलती है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया भाई साहब ने 500 रुपये का बोला, 300 की डील हो गई। तो ये वॉचेज़ का देखिए, सब अलग 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 सब चीज़ों की। अब रेट ये वाली ये कितने की वॉच है? ये वाली सफेद वाली बताइए सर, एकदम 600 रुपये का। एक रेट बताना। एक रेट 600 रुपये का। 600 रुपये, और बोलते कितने हो पब्लिक को? पब्लिक को ऐसे बोलता हूँ 800 रुपये बोलता हूँ, मतलब 200-300 रुपये का मार्जिन ऊपर। ऐसे। अच्छा ये देखिए, ये अच्छी लग रही है ये वाली, ये इसको अगर और क्लोथ में लेके जाएंगे, ये देखिए ये। अब मैं ये चिक्का उठाता हूँ, ये अब ये इसमें जो लिखा हुआ है विक्टोरिया क्वीन है, विक्टोरिया क्वीन का 1818 यानी 1818 का ये सिक्का है, इसके ऊपर ये विक्टोरिया क्वीन लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर दिए लगे हुए हैं, ओम लिखा है और कम लिखा हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त पे ये चलाया होगा। और ऐसी ये इस तरह के जो कॉइन्स हैं आपको मिलेंगे। देखिए मैंने कहा था कि अकीक है यहाँ पर पत्थर, उसमें लिखा हुआ है, ये भी एक अलग किस्म का अकीक है, यमन का अकीक बहुत मशहूर होता है। और बाकी देखिए पत्थरों की पहचान आपको होनी चाहिए, पत्थरों की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप चीज़ों का सही यहाँ पर सिलेक्शन कर पाएंगे। कॉइन्स वगैरह देखिए जितने सब पुराने किस्म के आपको इधर मिल जाएंगे, कोई भी आपको लेना हो पुराना तो आप यहाँ से ले सकते हैं, 100-150-200 साल तक के पुराने सिक्के यहाँ पर मिलेंगे और स्टोर में मिलेंगे। क्यों चाहता किधर, क्या आज तो कुछ कमाई हुई कि नहीं? अरे भाई और सुनो, अरे बाबा बस अपना
दाल रोटी चल रही है अपना और क्या। हो गई आज खुले, आज तो खुल्लम खुल्ला गिन रहे हो। दाल रोटी चल रही है और क्या अपना। अरे मैं कह रहा हूँ चाचा, चोर बाजार में खुल्लम खुल्ला नोट गिन रहे हो। नोट क्या गिन रहे जी, नोट ही बेचते हैं और क्या कर रहे हैं। नोट के बदले नोट लेते हैं, नोट बेचते हैं फुटपाथ पे बैठे और क्या। जैसे ऐसा लगा जैसे लॉकडाउन बिल्कुल खत्म हो गया हो, ये चोर मार्केट में इस तरीके से सब पूरा माल बिकना शुरू हो गया। कुछ हो रहा है, उठान नहीं हो रहा, सब ठंडा है, सब ठंडा, सब कितनी बार हटा चुके हैं चोर बाजार से यहाँ पर तो पब्लिक। हाँ कम से कम 500 दफा से सुबह से हटा चुका हूँ, अभी लगने दिया 10 मिनट पहले। अच्छा कुछ नहीं है, काम नहीं है, दो पीस बेच के बैठा हुआ हूँ बस। बस हफ्ते के हफ्ते चोर बाजार में इतना रिस्क लिया, दो पीस पूरे हफ्ते बैठे रहते हैं, इतवार संडे के उम्मीद में, सुबह 4 बजे जाके मैं लगने नहीं देता। कब आ जाते सुबह? सुबह आ जाते 5-6 बजे। 5-6 बजे सर अभी लगा है बाजार, मार्केट तो अभी लगी है, सुबह से तो ऐसे ही खाली बैठे हैं। अच्छा कितनी बार उठ चुके हो, कितनी बार जा चुके हो? वैसे 10 बार भागा दौड़ी बस हो रही है। अच्छा अच्छा, तो जींस के क्या रेट रखा हुआ है? 250 फिक्स रेट है या ऊपर नीचे भी? रेट है भाई, फिक्स रेट है आपके? चलिए 250 रुपये का इनका फिक्स रेट है, और हर तरह की जींस है, मोटे कपड़े की, पतले कपड़े की, सब कुछ। क्यों दोस्त जी, आज तो घिरी आप यहाँ 4-5 जींस जी है, या परचेज क्या बेचने वाले हो या खरीदने वाले? खरीदने वाले। खरीदने वाले, कितनी लेनी जींस? तकरीबन 6-7 जींस ले ली। 6-7 जींस ले ली, कितने में पड़ता था क्या? जी जींस सही है, बढ़िया। देखो हमें पता नहीं क्योंकि आप लेने वाले हो, खरीदने वाले हो जी, ऐसा तो नहीं है कि आप इन्हीं के आदमी और इनको खरीदवा रहे हो? अक्सर होता है ऐसा, ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं, आप इनके आदमी तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, चलो खैर कोई मजाक की बात थी, ये मजाक की बात थी, आगे चलते हैं। ये क्या है ये, क्या अम्मा लॉकडाउन के बाद कुछ बदला कि नहीं बदला? बहुत कुछ बदल गया है, जिंदगी पूरी बदल गई है, जिंदगी बदल गई। तो अब ये बताओ कि कुछ बोनी हो पा रही है कि नहीं? अभी बैठने नहीं दे रहे, थोड़ी देर के बाद खड़ा कर देंगे, सब हटा देते हैं। हाँ अच्छा, तो आपको जगह वहाँ दी गई थी, वहाँ तो कोई नहीं जाता, वहाँ अभी मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो कैसे बेचेगा? हाँ बोलो, क्या बैठने नहीं दे रहे ढंग से, बैठने दौरी करवा रहे हैं इधर उधर? तो कितने चक्कर लगा चुके हो सुबह से अभी तक? 50 चक्कर हो गए सुबह से, इधर से उधर, इधर से उधर, पब्लिक को बैठने नहीं दे रहे ढंग से। यहाँ पर क्योंकि अलाउड नहीं है, जैसे कि मैंने कहा था चोर बाजार कहें या कबाड़ी बाजार कहें, अलाउड नहीं है, इस वजह से मूवमेंट होता रहता है। एमसीडी या पुलिस आती है तो फौरन ये पूरा जो एरिया है सारा का सारा सब मूवमेंट में आ जाता है। अब लॉकडाउन के बाद जो स्थिति लोगों की थी वो कुछ अलग थी, हुई तो कुछ कमाई हुई, कुछ बदलना, कुछ आने शुरू हुए कस्टमर के? नहीं कस्टमर तो आने शुरू हुए सर, लेकिन बहुत परेशान कर रहे हैं और पुलिस वाले भी बहुत दिक्कत कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इल्लीगल है, इस वजह से कर रहे हैं? इस वजह से कर रहे हैं, लेकिन है परेशान तो हम बहुत, लेकिन शुक्र है भगवान करे बस हमारा ये काम हो जाए, बस इसी के सहारे जी रहे हैं, बच्चों का पेट पालना है बस। हाँ क्या क्या चीज रखी हुई है आपने? ये पैंट शर्ट वगैरह, टी शर्ट वगैरह, पूरा। क्या क्या रेट है? 100 का, 150 का, 50 का, हर तरह का बेचते हैं सर हम। अलग अलग चीजें हैं सारी, और यहाँ पर भी कुछ चीजें देखिए अलग इधर नजर आई है। क्यों दोस्त कैसे रखे हुए रेट, ये बताओ कुछ कमाई वमाई हुई कि नहीं लॉकडाउन के बाद? भाई लॉकडाउन के बाद तो कुछ भी नहीं है, बस बैठे ही हैं। बैठे ही और बैठे हुए तो कमाई तो हो ही रही है, लगा रहे हो? हाँ कमाई हो रही है यार, बाजार लग रहा है। नहीं है भाई साहब, कस्टमर नहीं है एक भी यार। ये इतनी भीड़ जो है ये कैसी है? भीड़ भीड़ है, बाहर का कस्टमर कोई नहीं है, सिर्फ नॉर्मल मिडिल क्लास लोग है, इधर के ही लोग हैं सारे, बस बाहर की पब्लिक नहीं आ रही। So, नई जगह पर अभी नहीं बोला गया वहाँ पर जो दी थी? नहीं अभी अभी अलाउ नहीं हुआ, अभी उधर नहीं हुआ। हाँ रेट बताओ कि कैसे कैसे दे रहे हो आप? बताओ जी, बताओ। ये जी ये 1100 का सर, 1100 का है, 1100 का। अच्छा ठीक है, ये तो यार रेट कुछ तुम ज्यादा बता रहे हो, 1100 का कुछ कम, ये कम प्राइस का रेट होता है, ये कम प्राइस में आता है, बाकी गुंजाइश कर देते हैं। अच्छा गुंजाइश कर देते हैं, और ये सही सही बताना कितने तक का निकाल देते हो? ये हम 800 रुपए, 900 रुपए का निकाल देते हैं। अच्छा अगर कोई रेट लगा दे फंड 500 रुपए का? कोई बात नहीं सर, कोई कुछ भी लगा सकता है। 500 रुपए का दे हुए नहीं देंगे? 500 का नहीं दोगे? नहीं देंगे, यानी 200-400 ऊपर नीचे हो जाएंगे। और ये वाला व्हाइट वाला कुछ भी लगा? अच्छा ये बताओ, ये जी 1100 रुपए का, ये 1100 का रेट फिक्स कर लिया तुमने? 1100-1200 का रेट बताते हैं, 1500 का बताते हैं भाई, नॉर्मली 800-900 का दे देते हैं, इतना ही चाहिए। उसी तरीके से ये है देखिए, और कंपनी के, अब ये स्पार्क्स का ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? सर ओरिजिनल है, ये वाला ओरिजिनल है। सर है तो सही तो लग रहा है ये दिखने में, लेडीज। और रेट क्या है इसका? हम सर बताएंगे 550, 300 तक दे देंगे हम। 550 बोलोगे 300 तक? हाँ जी, ये तो सही है।
मोल भाव आपको करना है। मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे कहने पर चीज़ें मत खरीदिएगा, आप खुद आपको देखना पड़ेगा, चीज़ असेस करनी पड़ेगी तब कहीं होगी। ये मार्केट संडे के संडे लगती है, और जो उधर वाली मार्केट है उधर पीछे आगे यानी कि जामा मस्जिद ये दिख रही है, देखिए ये जामा मस्जिद से जो बिल्कुल स्ट्रेट है उसके आगे का जो गेट है वो अब रेगुलर मार्केट है, लेकिन ये वाली जो मार्केट है ये अब संडे के संडे लगती है। चलिए अंदर चल के देखते हैं, देखते हैं और क्या खास है। क्या लेने आए हो? जी जूते खरीदने आए। जूते खरीदने आए हो? या तुम्हारी आंखों का काजल तो बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। हाँ जी, मम्मी ने लगाया था। हाँ मम्मी ने लगाया था। अच्छा तो अभी तक मम्मी से काजल लगवाते हो यार? हाँ हाँ। अरे बहुत बढ़िया, कितनी उम्र है तुम्हारी? 19 साल में। बहुत सही, बहुत सही। चलो यार ये अच्छी बात है आपका इतना कि अभी तक आप काजल माता जी से लगवाते हैं, मुझे इस बात की दिल से खुशी हुई है सही में। नहीं असल में मैं खुद लगाता नहीं है, असल में। अच्छा मैं मुझे करवाता हूँ। हमेशा थे या बचपन से लगा रही है माता जी आप? हाँ जी। अच्छा तो बचपन से ही ऐसा हुआ है? हाँ जी। अच्छा तो आज कैसे आ गए? आज यार जूते वूते लेने आ गए। जूते लेने आए? कुछ लिया ही नहीं लिया अभी तक, कुछ मिला ही नहीं अभी तक। अभी भाई ने एक पैंट लिया है, भाई ने एक पैंट लिया है अभी। अच्छा कितने के लिए? 150 रुपए के लिए। रेट में कितना फर्क होता है? रेट में बहुत फर्क होता है, हाफ से ज्यादा में होता है। यहाँ बतरे ज्यादा लूटते भी है, बतरे कम भी करते हैं, सही रेट भी मिल जाता है, ब्रांडेड चीज मिल जाती है। अंदर की तरफ आए, थोड़ी छाया है यहाँ पर, और देखे क्या हाल है। क्या दोस्त चल रही है कुछ दुकानदारी की? नहीं चल रही लॉकडाउन के बाद। सर यहाँ पर पब्लिक हो रही है लेकिन अभी काम नहीं हो रहा बिल्कुल। तो बस घूमने वाली ज्यादा है पब्लिक? पब्लिक घूमने वाली ज्यादा है, काम सिर्फ घूमने वाली ज्यादा है। लोगों के पास पैसा खत्म हो चुका है, अब यहाँ पे कोई इतना काम नहीं है। यहाँ पर सर ये हम कॉम्बिनेशन सेट है हमारा, पेशकश किट है, प्लायर है, ये 50 रुपए का है। ये पेशकश किट है, स्क्रू ड्राइवर। हाँ खोल के दिखो, ये स्क्रू ड्राइवर सेट है। अरे बहुत सही, कितने का पूरा सेट? ये पूरा सेट 100 रुपए का है। 100 रुपए का, और दोगे कितने का? ये 100 रुपए का ही देंगे हम। अच्छा फिक्स रेट है तुम्हारा? फिक्स रेट है। फिक्स रेट होते नहीं है भाई चोर बाजार में। नहीं सर ये चोर बाजार नहीं है, असल में यहाँ पे सोकारी का माल भी आता है। कहते चोर बाजार है कबाड़ी बाजार, और जो संडे के संडे लगता है। आप उधर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या खास है। आइए। अच्छा तो क्या बेचते हैं आप? चश्मे, चश्मे, गॉगल्स वगैरह भी और वॉचेस। आपके इस फड़ी की सबसे नायाब चीज, अच्छी चीज, बढ़िया चीज कौन सी है जो आप दिखाना चाहेंगे? रेबन के पीस है। रेबन का दिखाइए, एक दो पीस दिखाइए। अच्छा ये दिखाइए, कैमरे पर दिखाइए। क्या रेट होगा इसका? 3000 है। 3000 तो इसका ओरिजिनल वाले प्राइस पे जाते नहीं, ये ओरिजिनल है 7500। हाँ तो ये कैसे पहचानोगे कि ये ओरिजिनल है? आप पेन के दे सकते हैं, देख सकते हैं कि ओरिजिनल है। और आप कितने का दे रहे हैं? आप कितने फाइनल? फाइनल कितने दे रहे आपने? ये भाई 1100 रुपए। नहीं 1100। देखिए यहाँ पर डील चल रही है, और उसी डील की इसी चश्मे की बात कर रहे हैं ये? जी इस वाले चश्मे, इस चश्मे की बात। अच्छा इस वाले की, ये भी रेबन का है? जी जी। जामा मस्जिद के ठीक सामने, यानी जामा मस्जिद और लाल किले के ठीक सामने ये जो रेगुलर बाजार है वो तो लग ही रहा है, लेकिन इसके अलावा जो मैंने आपको अभी दिखाया वो सिर्फ चोर बाजार है जो चोरी चोरी लग रहा है। और इस चोरी चोरी चोर बाजार में चीज़ें कुछ उठती हैं, कुछ नहीं उठती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जाती हैं, कभी NCD आती है तो कभी पुलिस आती है, तो ये चोर पुलिस वाला जो खेल है ये चलता रहता है। ऑरेंज वाला कितने का है? ये 500। और ये स्काई ब्लू 600। और ये वाला ब्लैक 450। 450 मतलब 400 से 600 रुपये तक की तुम्हारी रेंज है। और कोई बढ़िया आइटम जो बेस्ट आइटम हो तुम्हारा जो इधर घर के ला रहे हो? नहीं अभी तो हमारे पास फिलहाल ये अभी कुछ नहीं है। तो ये बताओ लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति है, अब हालात कुछ बेहतर होने लगे कि नहीं? अभी तो कुछ भी नहीं है, जो देख लो अभी चलने तो, कम से कम तो, चलने तो लगा नहीं, चलने लगा है वो बात देख लेकिन उतना भी तो मार्जिन नहीं है अभी तो, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। क्या वो भैया मतलब पसंद आया कुछ के नहीं? हाँ सर। अच्छा कितने का ले लिया? ये सर 600 का। अच्छा तो खरीदा के नहीं? अभी नहीं। अभी नहीं? नहीं अभी ट्रायल चल रहा है। हाँ अच्छा स्थिति क्या है लॉकडाउन के बाद? लॉकडाउन के बाद तो सर काम है ही नहीं, बाजार लगी नहीं रहा, बिल्कुल ठंडा। अब तो लगना शुरू हो गया। आइए अब भी सुबह से अभी तक बोनी भी नहीं करी है। बोनी नहीं करी? पुलिस वालों ने इतना तंग कर रखा है, बाजार लगने ही नहीं दे रहे। देखिए है तो खैर इल्लीगली, जो रेगुलर बाजार है वो आगे है। हाँ जी ये तो है, पर वहाँ भी लग नहीं रहा ना। हाँ नहीं लग रहा है, वहाँ पर लगा हुआ है।
नहीं सर। जामा मस्जिद के सामने लगा हुआ है जो रोज का बना है, वैसे लोकल जो है वो लग रहा है रेगुलर, क्योंकि इसीलिए पुलिस हटाती है क्योंकि ये इलीगल है इस वजह से। चलिए आप मुझे और मेरे कैमरा पर्सन गुरप्रीत को इजाजत दीजिए, चोर बाजार चोरी से चोरी चोरी लग रहा है गुरप्रीत, लेकिन ये माल चोरी का नहीं है। बार बार ये बात मैं आपको कहता हूँ कि ये चोर बाजार जरूर है लेकिन माल चोरी का नहीं है। अब मेरे कैमरा पर्सन गुरप्रीत और मुझे इजाज़त दीजिए, अगली बार फिर किसी और जगह पर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।